अविनाश, अविनाश आ रहे हैं, बाबूजी उन्हें ले आ रहे हैं। उठो, बेटा। मालिनी, ये हमारी बुआ जी, ये चाची और ये कावेरी भाभी। ये कौन है बेटी? बुआ जी, ये मालिनी है। इन्होंने ही अविनाश की जान बचाई थी। इनके पिताजी डॉक्टर थे, अब रहे नहीं, कुछ ही दिनों पहले उनका देहांत हो गया। बेटी, तूने हमारे अविनाश की जान बचाई, तुम्हारा ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते बेटा। हम पढ़ के भैया अविनाश। संभालो अपने अविनाश को। मैंने एक बहू से अपना वादा पूरा किया, बेटे की माँ से वादा पूरा किया। भगवान ने हमारी लाज रख ली, इंदु। नाइट मैजिस्ट्रेट ने बेल की अर्जी मंजूर कर ली। अविनाश, आप पहले माँ जी के पास चलिए, उन्होंने कब से कुछ खाया पिया नहीं है। चल बेटा। रिम जिम, मेरी बच्ची। क्या कर रही है? शक्कर, रमेश शास्त्री का नाम सुना है तूने बेटी? बहुत अच्छा हाथ देखते हैं। मैंने भी थोड़ा बहुत उन्हीं से सीखा है। बेटी हो तो ऐसी, बहू हो तो ऐसी। ये रेखाएं क्या कह रही है भाई, जरा देखूं तो। एक गोलू गोलू सा प्यारा प्यारा सा बच्चा। हाँ, और माँ को तो शर्म से डूब मरना चाहिए, अपनी शक्ल नहीं दिखानी चाहिए, है ना? माफ कर दे बेटी मुझे, मैंने तुझ पे क्या क्या इल्जाम नहीं लगाया।
कितना भला बुरा कहा तुझे, तुझ पे शक किया, मेरी तो मती मारी गई थी ना। माँ बेटी का झगड़ा किस घर में नहीं होता, इतनी नाराजगी थोड़ी ही होती है उससे। माफ कर दे मेरे मुझे माँ जी, हम नहीं माफ करेंगे आपको, बहुत रुलाया है आपने हमें, हम नहीं माफ करेंगे आपको। मेरी बच्ची आ गई तुम नर्सिंग होम से? जी। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। राकेश क्या बात है, घर में तो ऐसा सन्नाटा छाया जैसे कुछ हो गया हो। कुछ नहीं, बहुत कुछ हो गया है यशोदा, रिमझिम प्रेग्नेंट है। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? यशोदा, और इसी वजह से बाबूजी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। ओह माय गॉड, बाबूजी कहाँ हैं? घबराओ नहीं, वो बिल्कुल ठीक हैं। दरअसल अविनाश वापस आ गया है। अविनाश वापस आ गया है? और उसी ने ये बात साफ की कि ये बच्चा उसी का है। अविनाश कहाँ है? बाबूजी और प्रतीक उसे पुलिस स्टेशन ले गए। आप मिले उससे? नहीं। सच पूछो यशोदा, तो अविनाश से मिलकर मुझे कोई खास खुशी नहीं होगी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं राकेश? क्योंकि अविनाश के आने से बंटवारे की बात फिर से उठेगी, और अगर बंटवारा हुआ तो यशोदा हमारे हिस्से में एक फूटी कौड़ी भी नहीं आएगी। वो सारे आंसू जो तुमने मेरी वजह से बहाए, वो सारे दुख जो तुमने मेरी वजह से देखे, उन सब के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। आप ही तो हमारी जिंदगी का मकसद है। हाँ, आपके ना रहने से तकलीफ बहुत हुई, और आपकी याद में बहुत रुलाया है। लेकिन अब तुम्हारे अविनाश का एक ही मकसद है रिमझिम, अपनी रिमझिम को हमेशा पहले की तरह हंसते और मुस्कुराते हुए देखना। आप आ गए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस घर में प्यार भी लौट आए। सुख शांति सदन के हर सदस्य के चेहरे पर एक मुस्कुराहट हो। अविनाश एक अरसा हो गया, इस घर में हंसी की खिलखिलाहट नहीं सुनाई दी, जिससे दुखों की काली लंबी रात कभी खत्म ही नहीं होगी। होगी रिमझिम, वो काली लंबी रात खत्म हो गई। हम दोनों एक दूसरे से ये वादा करते हैं कि कल सुबह का सूरज हमारे
सुख शांति सदन में एक नई रोशनी लेके आएगा। हम वादा करते हैं अविनाश, क्या बात है, बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। क्या बताऊं बीबी, अब जब ये साफ हो गया कि हम दादा दादी बनने वाले हैं तो ये दुख अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रहा है। एक बार फिर हम गुनहगार हो गए उसके, उसने अपनी सच्चाई अपनी सहनशीलता से हमें दिखा दिया, सिखा दिया कि कितनी छोटी कितनी ओछी सोच है हमारी। गलती उसी की है, उसे हमें बता देना था, नहीं छुपानी थी हमसे अविनाश वाली बात, तो हमें उसके ऊपर शक ही नहीं होता। आखिर हम अविनाश के माँ बाप हैं, हमारा भी हक बनता है जानने के लिए कि हमारा बेटा कहाँ है, किस हाल में है। लेकिन नहीं, वो तो सिर्फ हर चीज अपने दिल में छुपाना ही चाहती है। वो इसलिए इरावती कि उसका दिल बहुत विशाल है, वो सारे दुख जब्त कर लेगी लेकिन इस घर की मर्यादा इस घर की इज्जत पर आंच नहीं आने देगी। वो इस घर को टूटने बिखरने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि अगर अविनाश पहले आ जाता तो सब मिलकर इस घर के टुकड़े टुकड़े कर देते। लेकिन वो मुझसे लड़ी, लोगों की नाराजगियां मोल ली, शक के गिरफ्त में आई। किसके लिए? इसके लिए कि वो भगवान वो महान बनना चाहती है, वो ये बताना चाहती है कि देखिए मेरे बिना तो ये घर चल ही नहीं सकता, देखिए मेरे पास हर दुख का इलाज है, हर मुश्किल का इलाज है, देखिए मैं कितनी बड़ी हूं कितनी महान हूं कि मैं हर दुख झेल सकती हूं इस घर के सुख के लिए। ठीक है इरावती, जो तुम कह रही हो सच है, लेकिन ये सच नहीं है कि वो दिखावा करती है, ये सच नहीं है कि वो भगवान बनना चाहती है, तो सही मायनों में इस घर की परवाह करती है। खैर जाने दो बीवी, मैं पता नहीं क्यों तुमसे बहस किया करता हूं, क्योंकि मेरे कहने से तुम और तुम्हारी सोच बदलने वाली नहीं, और तुम्हारे कुछ कहने से रिमझिम के बारे में मेरी सोच बदलने वाली नहीं। कमाल की लड़की है, जिस तरह सोना तपती आग में जाकर और खरा हो जाता है, कुंदन बन जाता है, वैसी है वो। किस्मत वाले हैं हम लोग जो हमें रिमझिम जैसी बहू मिली, पर क्या वो बेचारी भी उतनी ही किस्मत वाली है जो उसे इतनी छोटी सोच वाला ससुराल मिला? हाँ, मालिनी तुम यहां अकेले क्या कर रही हो? बस ऐसे ही, यहां पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? एक प्रॉब्लम तो है। क्यों, क्या हुआ? बचपन में ही मां चल बसी, ना भाई बहन थे, एक पूरा भरा परिवार क्या होता है इसका मतलब तो मैं जानती नहीं, एक बसते हुए परिवार का माहौल क्या होता है उसकी तो मुझे पहचान ही नहीं थी। लेकिन यहां आकर सब समझ गई हूं, सब कुछ जानने लगी हूं। अब डर इस बात का है कि इस माहौल से निकलने के बाद मैं कहीं और जी पाऊंगी या नहीं। अरे बेटी, कहीं और जाने की जरूरत ही क्या है, ये तो सुख शांति सदन की परंपरा है, यहाँ लोग मेहमान बन के आते हैं और अपने बन के रह जाते हैं।
और मालिनी ये है हमारी सबसे प्यारी बुआ जी। जानती हो ये बुआ कम है, माँ ज्यादा है। बुआ जी, जब हम यहाँ आए थे जितना प्यार आपने हमें दिया था उतना ही प्यार मालिनी को भी दीजिएगा। चल बेटी अंदर चल, ये लोग इसी तरह मेरी तारीफ करते रहेंगे और हमारा खाना ठंडा हो जाएगा। चल अच्छा तुम लोग भी आ जाना बेटा। तुम कहाँ जा रही हो? खाना खाने चलिए। मैं सोच रहा था कि अगर हम खाना थोड़ी देर बाद खाएं तो और इंचिंग। बाबूजी कब से आपको ढूंढ रहे हैं, दवाई खा लीजिए। देख रहे मुझे, जब तक तू मुझे सच्चे दिल से माफ नहीं करेगी ना बेटा, मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। कैसे तुझे समझाऊं कि कभी कभी बड़ों से भी गलतियां हो जाती हैं। हाँ लेकिन छोटे इतने आसानी से माफ नहीं करते हैं ना, कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत? ठीक, जो तू बोलेगी मैं दूंगा। पहले की तरह मुस्कुराने लगे बाबूजी, आप हमें नाराज अच्छे नहीं लगते। फिर माफ कर देगी? ये हुई ना बात, ये लीजिए दवाई खाइए। ला। फिर एक सरप्राइज है। चला कर लाए। आओ माँ, आओ आओ। दरोगा को बुला रहा है, चोरी पकड़ी जाएगी। माँ, थैंक यू। एक बात बताइए बाबूजी, आपको कौन से वाले भवानी शंकर अच्छे लगते हैं? वो जो पहले मुंह फुलाकर गुस्से में बैठते थे, या ये जो खुलकर हंसते? चल बेटा, मेरा वादा है तुझसे कि अब मैं सिर्फ मुस्कुराऊंगा और हमेशा खुश रहूंगा। हाँ बाबूजी, बाबूजी इस घर में जो कुछ भी बीता है ना, हम सभी को उसे एक बुरा सपना समझ के भूल जाना होगा। और बाबूजी मैंने और रिमझिम ने एक दूसरे को वादा भी किया है कि हम आपके सुख शांति सदन को फिर वही रूप देंगे जो पहले था। तथास्तु कहने का मन कर रहा है, देखते हैं। देखते जाइए बाबूजी, सब ठीक हो जाएगा, होगा ना?